आज अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ी खुशी की खबर और न्यूज आई, इसलिए मैं मुबारकबादी देना चाहती हूँ। जो ऑल इंडिया महिला एम्पावरमेंट पार्टी के जो कैंडिडेट लातूर फतेहपुर में खड़े थे और कंटेस्ट करके आज उनकी जीत हुई और टोटल फतेहपुर में अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ऑल इंडिया महिला एम्पावरमेंट पार्टी की जीत हुई और वार्ड मेंबर्स 7 और 1 सरपंच जो है वहां पर जीते हैं, उन सबको मैं मुबारकबादी देती हूं। और मुबारकबादी के साथ साथ जो है देश की खिदमत करने के लिए और देश में आगे चलकर महिलाओं की, बच्चों की पढ़ाई की, एजुकेशन की, सबकी हिफाजत करने के लिए, और मैं उम्मीद करती हूं कि आप दिन और रात काम करेंगे। सो उसके साथ साथ जो महाराष्ट्र की प्रेसिडेंट सुनीता दीदी है, मैं सुनीता दीदी का भी शुक्र अदा करती हूँ कि हर हाल में कम्युनिकेशन रहो ना रहो जाकर जो है अल्हम्दुलिल्लाह पूरा काम किया और काम करके जो है आज ये जीत, 7 कैंडिडेट की जीत हुई, ये बड़ी खुशी की बात है और बड़ी ही हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है और महिलाओं के लिए एक एम्पावर की बात है। और महिलाएं आगे आकर जो है देश की खिदमत करने के लिए और हमारे भाई भी आकर आगे देश की खिदमत करने के लिए बड़ी खुशी की बात है। और मैं आगे चलकर सारे महाराष्ट्र में जो आगे आने वाले कैंडिडेट हैं और खड़े होने वाले कैंडिडेट हैं, उन सबको भी आने के दिनों में जीतने की मुबारकबादी पेश करती हूं। और खासकर से सुनीता दीदी को ये कहती हूं कि आप इत्मीनियान से काम करती रहें और इत्मीनियान से काम करते रहेंगे तो ऊपर वाला हमें कामयाबी देगा। जब फतेहपुर के लोगों का दीदी ने मुझे फोटो सेंड किए थे कि इनको जो है कैंडिडेट बना के खड़ा करना चाहती हूँ, डिटेल्स भेजे थे और कहा कि नहीं ये लोग मतलब बहुत छोटे लोग हैं, मैंने कहा कि यही छोटे लोगों को जो है हमको देश में इंसाफ के लिए खड़ा करना है, इनको ही जमहूरियत सिखाना है, इनको ही सिखाना है कि देश में तुम भी हक रखते हैं, अगर पैसा नहीं है तो क्या हुआ, हमारे पास जस्टिस के लिए फाइट करने का इरादा है तो हम जरूर से जरूर फाइट करते हैं। बड़ी खुशी हुई और आप सबको मुबारकबादी दे रही हूँ और जय हिंद जय महाराष्ट्र।